चलिए दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष यादव और आप देख रहे हैं ट्रेंड गाने के बारे में। दरअसल आज मनी मिराज के गाने के बारे में बात करेंगे, जिस ग्लोबल तमाम लोगों के बेहतर गाने के बारे में, जैसे मनी मिराज जी एक ग्लोबल गाना लाने का काम किए, सिल्वर बहुत बड़े म्यूजिक कंपनी है, जिससे कृमिर्ति म्यूजिक सिंह का बहुत ही शानदार गाना है, उनके बेहतर गाने का टाइटल जाने जाते हैं लाल घाघरी। कृमिर्ति म्यूजिक वर्ल्ड के कुमार आलम उनके ओनर है, देख रहे होंगे। उस गाना दरअसल ग्लोबल बेहतर गाने लाने का काम करता है कृमिर्ति। गाने के व्यूज की बात कर लीजिए, कंपनी वाले कुमार आलम अधिक व्यूज चल गया। इसी तरीके से एक और बेहतर गाना आया हुआ है मनी मिराज, जिसमें काम किए और बानो द ग्रेट। ये गाना दरअसल मनी मिराज की केमिस्ट्री काफी बेहतर है, इसीलिए उन्होंने इस गाने में काम किया और चांद जी और सिविराज जी गाना गाए और गाने का ये गाना लाल घाघरी जो कि जी ही ना दीवाना रंगदारी नहीं, ये अर्केस्ट्रा वाले का भी अच्छा शो है। इस बार कहीं ना कहीं लाल घाघरी अब ग्लोबल म्यूजिक में आया है अलग, और इस गाने में साथ में लाभ आ रहा है। गाने में काम किया श्वेता शर्मा जी की, बढ़िया बढ़िया गाने, कुछ ज्यादा आइटम सॉन्ग के बढ़िया बढ़िया गाने मार्केट में चल रहा है भोजपुरी में। अब ऐसा दौर आ गया, कहने का उसी तरीके का ये गाना था, ना कोई असली ना कोई किसी भी प्रकार का कोई समस्या किसी भी प्रकार का, आप सब कहने के बेहतर गाने लाने का काम किए हैं। यानी मिराज ये गाना करीब 1 लाख से अधिक व्यूज चांद जी द्वारा और सिद्धिराज के द्वारा, क्रेडिट ये सब चीज का क्रेडिट जाता है कुमार आलम साहब जो रोशन सिंह के द्वारा इस गाने, गाने लाने का काम करते हैं। बात कर लिया जाए इस गाने के लिए, जिस गाने का टाइटल ये गाना जो अभी त्रिमिति म्यूजिक वर्ल्ड से आया, काफी अच्छा रिस्पांस हो गया। 2 लाख से अधिक व्यूज भी चल गया, अभी जिस टाइम वीडियो शूट कर रहे हैं 2 लाख से अधिक व्यूज चल गए। ये गाना राजस्थान में शूट किया गया, आप लोग देख लिरिक्स राइटर है, लोकेशन है, गाना भी गाते हैं, काफी चीजों में वो इंटरेस्ट है। वीडियो क्वालिटी का बात करते हैं 8K जी, 4K भी नहीं, 8K में वीडियो है और काफी चौहान के द्वारा इस गाने की क्वालिटी है। बात कर लिया जाए लाल घाघरी गाने के बाद आप लोग काफी ज्यादा सुनिएगा, आप सुन के कमेंट में बताइए गाना कैसा है। गाने का टाइटल है रिलीज किया गया, अगर आप लोग नहीं सुने तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पे जाइए और इस गाने को सुनिए और कैसा लगा वो चीज आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाकी लास्ट में सुनिए।